नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। कांग्रेस में लगातार सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के, और सवाल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के ही नेता है। गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाए, कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए और पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जो है वो बात करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस में ये उथल पुथल क्यों मची हुई है, और कांग्रेस की उथल पुथल जो है वो क्या जायज है, या उसमें जो है वो कहीं ना कहीं इन लीडरों की जो है वो अपना कोई निजी हित है। इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानना होगा कि किस तरह से जो है राहुल गांधी ने जब से अध्यक्ष का पद छोड़ा है तभी से कांग्रेस नेतृत्व जो है वो अध्यक्ष के लिए लगातार जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसको कोई स्थायी अध्यक्ष मिल जाए, लेकिन अभी तक कांग्रेस को कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल पाया। इसके बाद में जो है वो राहुल गांधी की बजाय जो है वो सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और उसको लेकर भी जो है कई सारी अटकलेबाजी जो है वो जोर रही। उसके बाद में कहा गया कि सोनिया गांधी की बजाय जो है राहुल गांधी दोबारा से बने, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता हूं, किसी बाहर के अध्यक्ष को बनना चाहिए। ये सारी बातें लगातार चलती रही, लेकिन इसी बीच में एक चिट्ठी का भी जिक्र आया कि पहले एक चिट्ठी लिखी गई कांग्रेस के सीनियर नेताओं के द्वारा जो है वो चिट्ठी लिखी गई और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए, और उसके बाद में अब जो है दोबारा से फिर से जो है कांग्रेस के नेतृत्व पर बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद में जो है दोबारा से सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठाने वालों में इस बार जो है कपिल सिब्बल आए हैं, गुलाम नबी आजाद जो है वो पहले से भी थे, और चिदम्बरम साहब ने भी जो है वो सवाल उठाए। अब चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या ये सही है। ये तो जरूर सही है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, और राहुल गांधी जो लगातार कहते रहे हैं कि वो अब अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो अगर वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस में अध्यक्ष कौन बनेगा, ये भी सवाल है। सच एक कांग्रेस का ये भी है, क्योंकि हमने कांग्रेस को लंबे समय से कवर किया है, सच कांग्रेस का एक ये भी है कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको कितना जो है आगे खींच पाएगा, इसको लेकर के बहुत सारी शंकाएं हैं कि बगैर गांधी परिवार के क्या वाकई कांग्रेस चल पाएगी, यह भी अपने आप में सवाल है। तो ऐसे में ये दिखता नहीं है कि बगैर गांधी परिवार के कांग्रेस चल पाए, तो राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ये जो है सही समय है, ये सही समय है क्योंकि अभी चुनाव भी नहीं है आसपास में, चुनाव जो है वो बंगाल में होने, और बंगाल चुनाव से पहले ये बिल्कुल सही समय है राहुल गांधी को जो है वो अध्यक्ष बनना चाहिए। बीजेपी की अगर कोई बात है, गोदी मीडिया की अगर कोई बात है कि वो कहेंगे कि देखिए फिर से गांधी परिवार ही बन गया, तो जो है उसको आप छोड़ दीजिए, या तो आप जो है खुल करके मैदान में आ जाइए या फिर आप मैदान से हट जाइए। इस तरह से लगातार जो एक दौर चल रहा है कांग्रेस के अंदर जो है कि अध्यक्ष नहीं है, ये वाकई जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। और जिस तरह से सवाल जो है उठाए गए हैं कांग्रेस के इन लीडर के द्वारा, तो सवाल इन लीडर से भी पूछना चाहिए कि इन्होंने जो है वो अपने रहते हुए कितने दूसरे लीडर्स को जो है वो पनपने दिया। देखिए बीजेपी के ऊपर जो है वो आप कितने भी आरोप लगाएं कि बीजेपी जो है वो तानाशाही करती है, मोदी की अकेले चलती है या केवल अमित शाह की ही चलती है बीजेपी के अंदर, लेकिन बीजेपी का एक सच ये भी है कि बीजेपी जिसको चाहती है उसको बैठाती है, और बीजेपी जिसको चाहती है उसको उखाड़ देती है। ये बीजेपी का एक सच भी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीजेपी की बता देते हैं, अभी हाल में आपने देखा कि सुशील मोदी जो है बीजेपी के बिहार के कद्दावर नेता थे, लेकिन उनको हटा दिया गया, उनको हटा करके जो है, और उसके बाद में वहां पर रेणु देवी और तारकिशोर को जो है, तारकिशोर प्रसाद दोनों को जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, दोनों नए चेहरे, लेकिन कहीं पर कोई जो है वो सरसराहट नहीं होती है, कहीं पर कोई गुटबाजी की खबर जो है वो सामने नहीं आती है। हालांकि सुशील मोदी ने जो है ट्वीट जरूर किया, लेकिन उस लेवल पर जो है, जो लेवल पर हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर होता है, उस लेवल पर नहीं हो पाती है। हमने देखा कि किस तरह से राजस्थान का सियासी संकट जो है चला, सचिन पायलट के बीच में और अशोक गहलोत के बीच में किस तरह से जो है रस्साकसी चली वो हमने देखा है। उसके बाद में सिंधिया के बीच में और कमलनाथ के बीच में जो है गुटबाजी हुई मध्य प्रदेश के अंदर, और वो भी हमने देखा है। उसी तरह की गुटबाजी जो है वो पंजाब में के अंदर जो है कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में हुई, ये भी हमने देखा है। यहां पर हरियाणा के अंदर भी हमने देखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पहले के जो अध्यक्ष रहे अशोक तंवर, उनके बीच में जो है वो क्लैश हुआ, वो भी हमने देखा है। कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पर ये आरोप जरूर लगते हैं कि कांग्रेस में केवल गांधी परिवार की ही चलती है और गांधी परिवार ही जो है वो कांग्रेस की बपोती है, ये एक तरह से आरोप लगते हैं, लेकिन सच्चाई इसके दूर भी है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस में कई सारे ऐसे धड़े हैं जो अपने ही चलाते हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अपने आप में एक कद्दावर नेता रहे, और उन्होंने जो है जिस वक्त में विधानसभा चुनाव से पहले उनको मीडिया 3 सीटें दिखा रही थी, वो अपने दम पर 31 सीटें लेकर के आए, सच ये भी है। और सच ये भी है कि दिल्ली के अंदर जो है शीला दीक्षित रही, और 15 साल तक शीला दीक्षित चली, उसके बाद में लेकिन दूसरा कोई लीडर नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा, हरियाणा में भी कोई लीडर नहीं है,
कोई बड़ा चेहरा ऐसा रणदीप सिंह सुरजेवाला है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है कि एक मास लीडर बन पाए। क्यों ऐसे दूसरे नेताओं को पनपने नहीं दिया जाता है और फिर यही नेता जो है वो कल को जो है सवाल उठाते हैं नेतृत्व के ऊपर। और नेतृत्व को भी जो है सोचना होगा कि अब जो है राहुल गांधी इससे आगे जो है, इससे आगे ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी जो है इसी रस्साकसी के बीच में चलते रहे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी को जो है इसी असमंजस में रखे कि नेता कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पार्टी नेतृत्व को सोचना होगा कि अब जो कहे जैसे कहे, चाहे मीडिया कहे चाहे बीजेपी कहे, उसको खुल करके जो है वो पार्टी नेतृत्व को सामने आना होगा और वो पार्टी नेतृत्व को ये दिखाना होगा कि हाँ हम फैसले ले सकते हैं और फैसले हम जो लेंगे वो मानने पड़ेंगे। इसी तरह से जो है वो पार्टी शायद चलेगी और बीजेपी का मुकाबला जो है, बीजेपी का मुकाबला आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से टाल मटोल का रवैया जो है हाल फिलहाल में दिख रहा है। अगर बीजेपी का मुकाबला आपको करना है तो उसी तरह से आक्रामक अंदाज में जो है वो आपको उसके मुकाबला करना होगा, तभी आप बीजेपी को हरा पाएंगे। वरना इस तरह से जब आपके अंदर ही आप रह करके फूट जो है वो दिखाते रहेंगे तो ऐसा दिखता नहीं कि आप बीजेपी का मुकाबला कर पाए। और वैसे जो इस नेताओं ने सवाल उठाए हैं, गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाए हैं, चिदंबरम ने सवाल उठाए हैं, सिब्बल ने सवाल उठाए हैं, इन नेताओं को कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ दिया। उसके बावजूद जो है यहां तक कि सोनिया गांधी जो है वो तिहाड़ जेल में चिदंबरम से मिलने गई थी, अभी हाल की घटना अगर आपको बताएं। और कपिल सिब्बल बड़े नेता रहे हैं, राज्यसभा गए हैं, इसी तरह से गुलाम नबी आजाद, उनको कई बार जो है पार्टी ने राज्यसभा भेजा। लेकिन सवाल ये है कि पार्टी फोरम पर कोई बात उठाने की बजाय जो है अगर ये लोग भी बाहर बात कर रहे हैं तो सवाल इनसे भी पूछे जाएंगे, सवाल केंद्रीय नेतृत्व से भी पूछे जाएंगे और सवाल इन नेताओं से भी पूछे जाएंगे, तभी जो है वो एक सकारात्मक बहस हो सकती है। और लेकिन सवाल ये भी है कि सीडब्ल्यूसी की जब मीटिंग होती है, कई बार मैंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी कवर की है, तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के अंदर जो है वो रह करके व्हाट्सएप जो है वो चैट बाहर आती रहती है। कैसे जो है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की जो चैट है वो बाहर आ जाती है, ये तमाम सवाल जो है वो पूछे जाने चाहिए। बहरहाल अब केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने या इन नेताओं ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल, आपको क्या लगता है कि वाकई राहुल गांधी को जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? और जिस तरह से ये इन नेताओं ने सवाल उठाए हैं, क्या आपको लगता है कि सवाल सही है, इन पर जो है वो बहस होनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं इन्होंने गलती की है और इस तरह से सार्वजनिक तौर पर जो है वो पार्टी के बारे में खुलकर नहीं बोलना चाहिए, सीडब्ल्यूसी में या पार्टी मंच पर जो है वो अपनी बात रखनी चाहिए? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज भारत को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।